आज हम जा रहे हैं गिरिमल वाटरफॉल एंड डॉन हिल स्टेशन। आपको बहुत ही सुंदर नजारे दिखाने वाला हूँ आज आपको। गुजरात का जो हिल स्टेशन है डॉन हिल स्टेशन, वहाँ पे बहुत ही अच्छे सुंदर आपको नज़ारे दिखेंगे। और आज मैं बहुत दिन के बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से सब जो आजू बाजू के जो प्लेस थे वो सभी जहाँ पे भी एंट्री नहीं थी, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि अभी एंट्री हो रही है, तो इसीलिए हम आज जल्दी निकल गए हैं। और मैं डायरेक्ट अभी कार से ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत ही जल्द निकल गए थे। सुबह मॉर्निंग में लाइट नहीं थी तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। और चलिए तो अभी मिलते हैं, आप एंजॉय कीजिए, टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए आप अभी, है ना। थैंक यू सो मच। तो चाय और ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके हैं बीच में। आई डोंट नो ये प्लेस कौन सा है, बट यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया है और फुल हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है अभी। सो आगे अगर हमें कुछ मिला भी नहीं तब भी चलेगा अभी। चलिए तो अभी हम जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अभी डॉन हिल स्टेशन पे, और यहाँ पे मैं भी पहली बार आया हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ के नज़ारे, यहाँ का व्यू पॉइंट कैसे है वो सब हम देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे सराउंडिंग कैसा एरिया है, आपको कैसे पहुँचना है यहाँ पे, वो भी मैं बाद में आपको बताऊँगा। और चलिए तो अभी देखते हैं यहाँ के नज़ारे कैसे हैं। सो आज का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे वो थोड़ा कूल है, यानी कि क्लाउडली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। शायद बारिश भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यहाँ का जो यहाँ पे जो मुझे आके इतना अच्छा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही क्लाउडली है और बहुत सारे 2 या 3 वीक से अभी बारिश भी नहीं हो रही, तो यहाँ आके मुझे अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ के आपके मैं आपको सिनेमेटिक शॉट भी दिखाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा ट्रैकिंग भी करना है, ऊपर जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। थोड़ा ट्रैकिंग करके ऊपर जाना है तो ऊपर से भी हम व्यू देखेंगे कि कैसा व्यू है। और बाकी का जो सिनेमेटिक शॉट्स है वो तो मैं आपको दिखाऊँगा ही। और मुझे अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आके क्योंकि मैं 3 या 4 महीने से लॉकडाउन था, तो मैं घर पे ही था और कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे या तो फिर कहीं पे भी जाने के लिए परमिशन नहीं थी। लेकिन अभी अनलॉक 3 हो गया है तो थोड़ी बहुत जो परमिशन मिली है बाहर आसपास के एरिया में घूमने के लिए, सो इसलिए मैं आज आया हूँ डॉन हिल स्टेशन, जो बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एटमोसफियर है और ग्रीनरी भी है ना। और चलिए तो अभी देखते हैं सिनेमेटिक शॉट।
सो आपने सिनेमेटिक शॉट्स जो देखे वो नीचे से थे। अभी हमें थोड़ा ट्रैकिंग करके ऊपर के साइड जाना है, और उससे पहले हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं ध्रुव भंडारी से। सो ध्रुव, मुझे बताइए कि नीचे से शॉट्स कैसे थे? ओके, सो अगर नीचे से इतने अच्छे शॉट्स थे, इतने अच्छा व्यू था, तो ऊपर जाके कैसे व्यू होंगे? हाँ, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत का फल तो मीठा ही होता है ना। सो ऊपर से कैसे व्यू होंगे, चलिए जाके देखते हैं। जस्ट बहुत सारी बारिश हो गई है बहुत दिनों के बाद, आप देख सकते हो, और मैं पूरा भीग गया हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आप मज़े उठाइए। मैं ट्रैकिंग करके ऊपर आ गया हूँ, तो आप सिनेमेटिक शॉट देखिए अभी। When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. So, देखे आपने सिनेमेटिक शॉट्स कैसे है टॉप व्यू से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये प्लेस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मस्ट विजिट कीजिए यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप सूरत से बारडोली, बारडोली से वासदा से आप यहाँ पे आ सकते हो, आहवा, वासदा से आहवा, आहवा से ये डॉन हिल। और अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हो तो मालेगांव, मालेगांव से आप सीधे यहाँ पे आ सकते हो। मालेगांव से आई थिंक 80-90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बस यही, अगर आप मुंबई साइड से आ रहे हैं तो आपको फिर वापी वलसार होके आना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा प्लेस है, मैंने आपको दिखाया। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आके आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। सो आप स्पोर्ट्स शूज़ और आप ट्रैकिंग शूज़ भी पहन सकते हो, और जीन्स वीन्स वगैरह मत पहनिए, ज़्यादा फिट कपड़े मत पहनिए, कैजुअल आप कपड़े पहन सकते हो। और एक खाने के लिए आप अपने पास कुछ ना कुछ रखिए, क्योंकि यहाँ पे आसपास आपको कोई भी ज़्यादा होटल्स वगैरह नहीं दिखेगी। सो अपने पास कुछ भी कैरी कीजिए खाने के लिए। और क्या, पानी तो हमेशा अपने पास ही रखिए, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन उसका मज़ा भी कुछ अलग ही है ना। सो ये थी इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी थी, कि ट्रैकिंग शूज़ पहनिए।
अच्छे कपड़े पहनिए, यानी कि आप कंफर्टेबल हो जिसमें जिसमें अच्छे से आप वॉकिंग कर सको, रनिंग कर सको, ऐसे शूज़ पहनिए, ऐसे कपड़े पहनिए। सो ये थी एक इम्पोर्टेंट बात। चलिए तो मिलते हैं, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, तो बने रहिए वीडियो में। Something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. तो एक बात तो आपको बताना भूल ही गया, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि जो मैंने सिनेमैटिक जो शॉट लिए हैं वो कैसे लगे आपको। और अगर आपको डॉन हिल स्टेशन विज़िट करना है तो आप मानसून और विंटर में ज़रूर आइए, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। और चलिए तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू। I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I